वेलकम टू दिस यू ओपे वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुपनील और इस वीडियो में हम देखने वाले एम एस टी सी टी 2023 का जनरली सेफ स्कोर सेफ जोन क्या रह सकता है आपके लिए। तो फॉर सी यू पी वी जी टी आई पी आई सी टी कॉलेज और साथ ही साथ जो एवरेज कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनका सबका सेफ स्कोर सेफ जोन मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो से। तो आपको एक आइडिया पता चल जाएगी कि आपका जनरली कितना स्कोर आ रहा है, तो आप एक सेफ जोन में हो और वो कॉलेज आपको लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। तो कैटेगरी वाइज हम इन्फॉर्मेशन देखने वाले फ्रेंड्स, मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 6 ईयर प्लस काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। प्रीवियस 6 ईयर में हमने मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट की काउंसलिंग भी की है, तो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट के साथ नॉलेज के साथ मैं आपको सब चीज़ें बताने वाला हूँ और साथ ही साथ प्रीवियस 4 ईयर का कट ऑफ का कंपैरिजन करके और एनालिसिस करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक मोस्ट एक्यूरेट रेंज ही आपके पास जाने वाली है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करके रखना है। तो बेसिकली हम प्राइवेट कॉलेज भी देखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज भी देखेंगे और टॉप वाले जो कॉलेजेस हैं वो भी हम देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सी ओ पी वी जी टी आई पी आई सी टी ये भी हम देखने वाले। लास्ट तक आपको वीडियो को देखते रहना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके एम एस टी सी ई टी के स्कोर के ऊपर या फिर आपके जेई मेन्स के स्कोर के ऊपर आपको महाराष्ट्र में कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज लग सकता है। इसकी टोटल 50 से ज़्यादा कॉलेज की लिस्ट आप सी ओ पी बोर्ड से डिज़ाइन करके ले सकते हैं। सी ओ पी बोर्ड की टॉप एक्सपर्ट की टीम आपको आपके मार्क के बेसिस के ऊपर टोटल कॉलेज की लिस्ट को डिज़ाइन करके देने वाली है। उसी लिस्ट को आप अपने कैप राउंड या फिर एडमिशन राउंड में यूज़ करके टोटल कॉम्पिटिशन को बीट कर पाओगे फ्रेंड्स। हमारे पास ऑलरेडी 6 ईयर प्लस काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। प्रीवियस 6 ईयर में हमने मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट की काउंसलिंग भी की थी फ्रेंड्स, और हर एक जो अच्छा वाला कॉलेज है उनका इनडेप्थ नॉलेज है हमारे पास, इनडेप्थ डाटा है, हमने इनडेप्थ में उनको अच्छे से कॉलेज रिव्यू वीडियो के थ्रू भी कवर करके रखा है फ्रेंड्स। आप चैनल के ऊपर जाके भी देख सकते हो या फिर आप सी ओ पी वर्ड का वी आई पी पैक को भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वी आई पी पैक आपको टोटल महाराष्ट्र में ओनली ऑन सी ओ पी वर्ड चैनल के ऊपर मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में हम प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आपको 50 से ज़्यादा कॉलेज की लिस्ट तो मिलती है लेकिन साथ ही साथ टॉप कॉलेज कंपैरिजन ई बुक मिलती है जिसे रीड करके आप वेरी इजीली कॉलेज का कंपेयर कर पाते हो। उसके बाद टॉप कॉलेज प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन ई बुक आपको मिलती है। उसके बाद टॉप कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ई बुक, सी ओ पी वर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव वीडियोज़ भी आपको मिलते हैं जिसका हिसाब से आपको हर एक जो प्रॉब्लम है, डाउट है आपका रिगार्डिंग योर कॉलेज एडमिशन, कॉलेज लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, किस टाइप से आपको फॉर्म को फिल करना है, टोटल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के थ्रू आपको मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। तो ये मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में हमने आपको आपके लिए लाया है, आप ज़रूर इसे यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो एक सेफ जोन में आपको बता रहा हूँ, सेफ जोन सेफ स्कोर मंजे मीन्स क्या है फ्रेंड्स, वो कॉलेज में आपको एंट्री मिल जाएगी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मीन्स आपको अगर आपको सी ओ पी में जाने के लिए कितना जनरली स्कोर लगता है उसी हिसाब से आपको देखना है, और हम ना कि हम टॉप ब्रांचेस के लिए टारगेट नहीं करेंगे लेकिन वो कॉलेज को टारगेट करके चलेंगे, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना। अगर आपको एवरेज कॉलेज में जाना है फ्रेंड्स, मीन्स एवरेज कॉलेज मीन्स क्या है, 3 से 4 लाख का पैकेज वो जनरली ऐसे कॉलेज जो ऑफर करते हैं उनके लिए जनरली कितना सेफ स्कोर लगता है वो भी मैं आपको इस वीडियो से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ओपन ओबीसी से आप हो गए तो आपको जनरली 125 से ज़्यादा स्कोर लगता है फ्रेंड्स, 125 मार्क्स। अभी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि मार्क्स में बताया कीजिए क्योंकि उनको मार्क्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डाटा पता चलता है। जनरली परसेंटाइल में हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि परसेंटाइल में आपको अभी से मैं आपको बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मार्क्स में हम देख रहे हैं, अगर आप ओपन ओबीसी से हो गए तो 125 प्लस लगते हैं। अगर आपको एक रॉ आइडिया दे दूँ कि 125 प्लस मीन्स कितने परसेंटाइल होते, तो जनरली 95 से ज़्यादा परसेंटाइल बनते। अगर आपके 150 से ज़्यादा स्कोर आता है फ्रेंड्स, तो आपका 99 परसेंटाइल से ज़्यादा परसेंटाइल बनते, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हर साल कुछ इसी टाइप का ट्रेंड रहता है। प्रीवियस 6 ईयर से मैं देख रहा हूँ तो उसी हिसाब से आपको देखना है फ्रेंड्स। ओपन ओबीसी से आप हो गए तो 125 प्लस आपको स्कोर लगता है अगर आपको एवरेज कॉलेज में जाना होगा तो, और हम हर एक कॉलेज का देख रहे फ्रेंड्स। ओबीसी से आप हो गए तो 125 प्लस, और एससी एसटी से आप हो गए तो 100 प्लस आपका स्कोर आगा तो आपको एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, तो वेरी इजीली मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी स्टूडेंट बोल रहे हो उनको गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज चाहिए अच्छा वाला, तो जनरली आप ओपन ओबीसी से हो गए तो आपको 140 से ज़्यादा स्कोर लगता है फ्रेंड्स, 140 प्लस। अगर आपको उस कॉलेज में टॉप वाली ब्रांच चाहिए सीएस, तो आपको 140 से ज़्यादा स्कोर लगता है, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीएस ब्रांच चाहिए और अगर आप एससी एसटी से हो गए तो 120 प्लस आपको स्कोर लगता है। और वी जे एन टी के जो स्टूडेंट है उनको जनरली एवरेज कॉलेज के लिए 115 से ज़्यादा स्कोर लगता है, और गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरली 135 प्लस स्कोर आपको लगने वाला है, उसी हिसाब से आपको देखना है फ्रेंड्स। तो प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज हमने देख लिए। अभी जनरली कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सी ओ पी वी जे टी आई पी आई सी टी का सेफ जोन क्या है, मीन सेफ स्कोर क्या है। जनरली मैंने ऑलरेडी इन कॉलेज के कट ऑफ के वीडियो
डिस्कस किए फ्रेंड्स, तो हमने उसमें सीएस का कट ऑफ देखा था, लेकिन मैं आपको जो सेफ स्कोर अभी बताऊंगा वो कॉलेज में एंट्री लेने के लिए बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। मीन्स अगर आपको सीओबी में जाना है और आप ब्रांच आपको कौन सी भी मिले कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सीओबी में आपको एंट्री लेनी है तो आपका एक सेफ जोन क्या रह सकता है। ऑलरेडी आपको सबको पता है कि सीओबी में सीएस में आपको जाना होगा तो बहुत ज़्यादा स्कोर लगता है, 180 से ज़्यादा ओपन के लिए लगता है, ओबीसी से 175 प्लस लगता है, एससी के लिए 160 प्लस, एसटी के लिए 140 प्लस लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। ओपन से हो गया अगर आपको सीएस राउंड वन में चाहिए, लेकिन आपको सीओपी में कौन सी भी ब्रांच चल जाएगी एंट्री लेनी है तो सेफ जोन क्या रह सकता है वो भी हम इस वीडियो से देखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा यार, सब्सक्राइब करके रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आपको चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो सी ओ पी विजेटी आई पी आई सी टी का सेफ जोन क्या है, उन कॉलेज में एंट्री के लिए आपको कितना चार्ज लगता है, तो सी ओ पी का हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ओपन के लिए 165 प्लस आपको स्कोर लगेगा अगर आपको सी ओ पी में कौन सी भी ब्रांच चाहिए होगी तो, ठीक है फ्रेंड्स। 165 अगर आपका आ रहे और ओपन कैटेगरी से हो तो आपको सी एस नहीं मिलेगी, बाकी के ब्रांच मिल जाएगी, आप कोर ब्रांचेस की तरफ शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, कोर ब्रांचेस की तरफ आप शिफ्ट हो सकते हो। सी एस सी चाहिए आपको तो 175 प्लस आपको जनरली स्कोर लगता है, 175 प्लस, 180 प्लस, जनरली इतनी कंपटीशन रहती है। हमारे टाइम में भी कुछ इस टाइप की कंपटीशन होती थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं खुद सी ओ पी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास आउट हूँ, मुझे मेरे वक्त एम एस टी सी टी एग्जाम में 180 मार्क मिले थे, और हमारे टाइम में भी जनरली मैकेनिकल और सी एस का कट ऑफ ज़्यादा जाता था। अभी मैकेनिकल का थोड़ा कट ऑफ कम जा रहा है, कोर ब्रांचेस का कट ऑफ कम जा रहा है, लेकिन हमारे टाइम में जनरली सी ओ पी में सी एस और मैकेनिकल का टॉप सबसे ज़्यादा जाता था, मीन्स 180 प्लस आपको स्कोर लगता था अगर आपको ओपन से होगे तो आपको वो ब्रांच लेने के लिए। तो ओपन से आप होगे तो 165 प्लस एक सेफ स्कोर रहने वाला है अगर आपको सी ओ पी में एंट्री चाहिए। ओबीसी से आप होगे तो 155 प्लस आपको स्कोर लगता है अगर आपको अदर जो ब्रांचेस है, मेटा है, प्रोडक्शन टाइप की ब्रांचेस है, मीन्स मेटलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग टाइप की ब्रांचेस है, कुछ इस टाइप की ब्रांचेस भी आपको चलती होगी तो आप वेरी इजीली इस स्कोर के ऊपर भी उसे ले सकते हो। एससी से आप होगे तो 120 प्लस स्कोर सेफ स्कोर है सीओपी के लिए, और एसटी से आप होगे तो 110 प्लस स्कोर आपका आ रहा है तो आप सीओपी में एंट्री ले सकते हो, सीओपी में एडमिशन आपका हो सकता है। उसी हिसाब से आपको देखना है फ्रेंड्स, प्रीवियस 6 ईयर प्लस काउंसलिंग के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा, तो एक मोस्ट एक्यूरेट रेंज ये रहने वाले है कि, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। बाकी टोटल कॉलेज की लिस्ट आप मंगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। किसी भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बार चैनल पे जाना है, विजिट करना है, और इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू वीडियो इस लिस्ट को आप ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ से आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए, उसके भी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर होने चाहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें यार, क्योंकि आने वाले दिन में आपको इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।